Hello students, today we are going to read English grammar of class 7th, lesson number 21, and the topic is kinds of phrases. Okay, topic is kinds of phrases. So students, in this video we are going to learn about phrases. What is phrases and how it works in English grammar, and also the kinds of phrases. So open a book and listen carefully. So students, I write three sentences on the board. Okay, मैंने यहाँ पे three sentences को board पे लिखा है. First is on the chair, in a flash, in the blue coat. So as we discuss that a group of word, phrase is a group of word which makes sense but not complete sense. So यहाँ पे जो ये phrase है, इसमें sense है. Okay, sense क्या है? On the chair. It has sense. On the chair. On the chair means किसी chair के ऊपर. Okay. In a flash. Flash means जो बहुत ही sudden, बहुत ही quick response होता है. Like flash. When we click a pic, then our camera flash. Okay. हमारा camera flash होता है. It is called flash. In the blue coat. Blue coat में. So these three sentences have sense but not complete sense. To make complete sense, we have to use some other group of words to complete its sense. Like on the chair. The book is. Okay, this and this, these are the kinds and the example of phrases. So the book is on the table, on the chair. Now the sense is complete when we put some other words, okay, on in a flash. Frog catch the insect. Okay, the frog catch the insect in a flash. यानि कि मेंढक ने कीड़े को, insect को एक flash में, यानि कि चुटकियों में ही पकड़ लिया. So it is ये भी है एक फ्रेज का एग्जाम्पल है. अ स्माइलिंग बॉय इन द ब्लू कोट. एक हंसता हुआ लड़का ब्लू कोट में. सो हियर दीज थ्री आर ग्रुप टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल ऑफ फ्रेजेस. एंड व्हेन वी पुट दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स हियर, इट इज कॉल्ड कंप्लीट मेज कंप्लीट सेंस. अब इसका जो सेंस है वो कंप्लीट हो चुका है और पहले इसका सेंस कंप्लीट नहीं था. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट फ्रेजेस. सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द काइंड्स ऑफ फ्रेजेस. ओके, द काइंड्स ऑफ फ्रेजेस. देर आर थ्री काइंड्स ऑफ फ्रेजेस. फर्स्ट इज नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडवर्ब फ्रेज. नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडवर्ब फ्रेज. As we have any idea about noun, adjective and adverb. Okay. So what is noun phrase? Noun phrase, when a group of word works as a noun. Okay. Jab koi bhi phrase, it means group of phrase, it means phrase, group of words which call phrase, which has no sense but which has sense but not complete sense. फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि जिसमें की सेंस होता है बट नॉट कंप्लीट सेंस. तो जब वो ग्रुप ऑफ वर्ड एज अ नाउन वर्क करता है, ठीक है, व्हेन द ग्रुप ऑफ वर्ड वर्क एज अ नाउन फ्रेज, ठीक है, जब वो एक नाउन की तरह काम करता है एज अ नाउन. नाउन यानी कि नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. सो इट इज कॉल्ड नाउन फ्रेज. लाइक फॉर एग्जाम्पल, टू विन द कॉम्पिटिशन इज My dearest wish. इस कॉम्पिटिशन को जीतू, ये मेरी बहुत ही दिल की इच्छा है. So in this sentence, to win the competition. To win the competition is our noun phrase. Okay, next is adjective phrase. Adjective phrase means adjective which describe a noun and a pronoun. जो कि किसी noun या pronoun को describe करता है, it is called adjective. So what is adjective phrase? When the group of word works as a
एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है, एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि एक फ्रेज है लेकिन वो एक एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है, इट इज कॉल्ड एडजेक्टिव फ्रेज. लाइक ही एडमायर्स फियरलेस मैन. सो हियर फियरलेस मैन इज एन एडजेक्टिव फ्रेज, इट इज एन एडजेक्टिव फ्रेज. एंड थर्ड इज एडवर्ब फ्रेज. सो एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब विच मॉडिफाइज अ नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड अ वर्ब. ठीक है, जो एडवर्ब होता है वो किसी भी एडजेक्टिव को एंड वर्ब को क्वालिफाइज करता है या फिर डिस्क्राइब करता है, मॉडिफाई करता है. सो व्हेन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स वर्क्स एज अ एडवर्ब, ओके, व्हेन द ग्रुप ऑफ वर्ड वर्क्स एज एन एडवर्ब फ्रेज, इट इज कॉल्ड एडवर्ब फ्रेज. लाइक द टीचर स्पोक इन अ क्लियर वॉइस, ओके, द टीचर स्पोक इन अ क्लियर वॉइस, यानी कि जो टीचर है वो क्लियर वॉइस में बोलते हैं. सो इन दिस सेंटेंस इन अ क्लियर वॉइस इट इज एडवर्ब फ्रेज. सो स्टूडेंट्स रिमेंबर इन दीज इन दिस थ्री टाइप्स ऑफ फ्रेज, इन तीनों टाइप्स ऑफ फ्रेज में जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स एज अ नाउन काम करेगा सो इट इज कॉल्ड नाउन फ्रेज, व्हेन इट वर्क्स एज एन एडजेक्टिव सो इट इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव फ्रेज, and when it works as a adverb phrase so it is called an adverb phrase. So students, I hope you have understood this chapter very well. Thank you and have a nice day.